शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की बैठक, बिजली बोर्ड कर्मचारियों के साथ की बैठक, एमपी की स्थायी नियुक्ति पर दी संवैधानिक सहमति। शिमला से बीजेपी प्रवक्ता बलबीर वर्मा का बयान, कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, स्वास्थ्य क्षेत्र में अव्यवस्था पैदा करने का लगाया आरोप। बिलासपुर में चिकित्सकों ने काले रिबन बांधकर किया विरोध प्रदर्शन, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन, मांगें पूरी होने तक लगातार जारी रहेगा प्रदर्शन। मंडी में पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान, सरकार के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी, जल पानी उपलब्ध कराने की भी मांग। हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय पहुंचे अभ्यर्थी, सरकार पर लगाए कई आरोप, 4 सालों से लगातार नौकरी पाने का कर रहे इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली बोर्ड कर्मचारियों को फरवरी से ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने का भरोसा दिया है, जिसे लेकर बिजली बोर्ड कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक आज सरकारी आवास ओक ओवर में हुई, जिसमें संवैधानिक तौर पर ओपीएस लागू करने की मंजूरी दी है। वहीं मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के बाद बिजली बोर्ड इंजीनियर और कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सहसंयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बोर्ड के 6600 कर्मचारियों को फरवरी से पुरानी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की और अधिकारियों से विस्तृत चर्चा हुई है और बिजली बोर्ड के एमडी की स्थायी नियुक्ति पर जल्द एक्शन लेने का भरोसा भी दिया है। माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने बुलाया था, जिसमें हमारे चेयरमैन और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर हैं भरत खेड़ा जी, वो भी मीटिंग में हमारे साथ थे और हमारे ज्वाइंट फंड की ओर से 10 लोगों ने मीटिंग में भाग लिया और काफी हम कह सकते कोई आधा घंटा बिजली बोर्ड के जो इश्यूज थे उस पर चर्चा हुई। और खास करके हमारे इशू तो चर्चा के दो ही थे, जिसपे जो हमने 11 जनवरी को उठाए थे उसमें एक पुरानी पेंशन था और दूसरा एक स्थायी एमडी की हमने बात की। तो पुरानी पेंशन को लेकर के मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक रूप से तो पहले भी सहमति दी थी, पर हमारी दिक्कत ये थी, हमने कहा था कि ये फरवरी में इनकम टैक्स आपका क्लोज हो जाएगा, इनकम टैक्स ईयर, उसके बाद फॉर्म 16 आपके इशू होने, तो टेक्निकल बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपका शेयर अभी होल्ड पे है, उसको जमा करना पड़ेगा या वापस करना पड़ेगा। तो उस पर एक सहमति बनी है जो माननीय मुख्यमंत्री ने माना है कि फरवरी से पहले इसको लागू करने की कोशिश की जाएगी। खबर शिमला से है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्यवस्था का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता बलबीर वर्मा ने कहा कि प्रदेश में कुप्रबंधन का ऐसा दौर चला है कि नया दौर का नारा देने वाली सरकार से सभी लोग परेशान हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के लाखों गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने वाली हिम केयर योजना बंद होने के कगार पर है। इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता बलबीर वर्मा ने प्रदेश सरकार की गारंटियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए हर क्षेत्र से गारंटी दे डाली, लेकिन अपनी एक भी गारंटी पूरी करने की उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में जो सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में दी गई थी, मात्र उन्हें बंद करने का कार्य सरकार ने किया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन और नया दौर 13 महीने से लगातार जो जुमले जनता को दे रही है, आज स्वास्थ्य की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हॉस्पिटल में आउटसोर्स से 1800 कर्मचारियों को एक साथ निकालना और उसके बाद सारी व्यवस्था सभी हॉस्पिटल की काफी बिगड़ी है और साथ ही साथ कांग्रेस सरकार ने सत्ता को हासिल करने के लिए 10 गारंटियां दी थी, एक भी गारंटी उन्होंने पूरी नहीं की है। अब एक नया जुमला हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने लाया है। खबर धर्मशाला से है, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर पूरे भारतवर्ष में एक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अभी से अयोध्या भी पहुंचना शुरू हो गए हैं।
ताकि इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन सके। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में आयोजित होने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में धर्मशाला के कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा भी भाग लेने वाले हैं। वहीं इस बारे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुधीर शर्मा ने कहा कि उनका व्यक्तिगत यह मानना है कि इस विषय पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि लगभग 550 वर्ष के बाद ये दिन आया है। मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लगभग 550 वर्षों के बाद ये दिन आया है। इसके ऊपर टीका टिप्पणी करने के बजाय जिसको नहीं जाना है ना जाए, चुप रहे, और जिसको जाना है उसके ऊपर कोई रोक नहीं, चाहे वो कोई पार्टी कोई निर्णय ले। मुझे निमंत्रण आएगा, मैं अवश्य जाऊंगा। ये तो अब उसके ऊपर तो हाईकमान को चिंतन मंथन करना चाहिए कि ये क्या सोच के ऐसा निर्णय लिया, लेकिन व्यक्तिगत रूप में किसी के ऊपर कोई रोक नहीं। और हम लोग हिंदू हैं और हमारी आस्था भगवान राम में है, और उस आस्था के चलते उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, हमारे विश्वास के साथ, हमारे भक्तिभाव के साथ। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के तत्वाधान में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बिलासपुर जिला के अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों ने काले रिबन बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं बताया जा रहा है कि चिकित्सकों का ये विरोध प्रदर्शन मांगे पूरी होने तक लगातार जारी रहेगा और चिकित्सक काले रिबन बांधकर ही अपनी सेवाएं देंगे। इस बात की जानकारी देते हुए हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के बिलासपुर अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा ने कहा कि काफी समय से संघ की तरफ से अपनी मांगे प्रदर्शन करते हुए सरकार के समक्ष रखी गई थी, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसी के साथ डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एचएमओ स्टेट ब्रांच की तरफ से जो दिशा निर्देश आया था उसके अनुसार हम जिला बिलासपुर में जितने भी डॉक्टर्स हैं सारे ब्लैक बैजेस पहनकर अपने अपने ओपीडीज में जो अपना रूटीन का काम है उसको करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और आगे भी जैसे भी हमें ऊपर से अपने प्रदेश इकाई से जो भी डायरेक्शंस आएंगी उसके अकॉर्डिंगली हम इस विरोध प्रदर्शन को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद। सरकार ने हर घर नल तो लगा दिया, लेकिन जल का कोई अता पता नहीं है, जिसे लेकर कलखर में सभी वर्ग के बच्चे, बूढ़े और जवानों ने विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर विभाग के पास जाते तो हैं और 4 से 5 दिन पानी आता है, लेकिन उसके बाद वही समस्या खड़ी हो जाती है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें इधर उधर भेज दिया जाता है। इसी के साथ कलखर के स्थायी निवासी महिलाओं का कहना है कि कलखर में पानी की समस्या 4 साल से चली आ रही है और जहां भी जाए आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। वहीं जल्द पानी नहीं मिला तो कलखर रोड में चक्का जाम किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार केवल और केवल प्रशासन होगा। तो पानी के सोर्सेज से बोला है नहीं, मतलब इतने टाइम से, अब उनकी वो तो समस्या सरकार की है ना, कहीं से भी उपलब्ध कराएंगे ना जी, वो तो उनका, अब जनता को अगर ये नहीं देंगे, जनता को अगर वो नहीं देंगे पानी तो सबसे जरूरी है ना जी, बिना पानी के आदमी कैसे जिएगा। अब सरकार तो बोलती है हर घर में नल का, हर घर में नल, स्वच्छ नल, वो स्वच्छ पानी, हम तो बोल रहे हैं तो हमारे को तो पानी चाहिए, पशुओं को कहाँ से पानी पिलाना, जनता को, मतलब बहुत मुश्किल है सर। ये जो पानी की समस्या आ रही है ना, तो इसको लेके हमने जो है रिवाल सर में GISTO, सरका घाट, बलद्वाड़ा, सुंदर नगर SC के पास, और यहाँ तक कि पिछले हफ्ते तो हम DC साहब के पास मंडी भी गए थे, जहाँ पे हमारी ADC से बात हुई थी मैम से, तो उन्होंने बोला था कि 2-3 दिनों में आपको बता देंगे या तो फिर हफ्ते भर में आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या इसका समाधान हुआ है। तो सर उसके बाद एक आधे दिन ही आया है पानी, और उसके बाद मतलब फिर से वही प्रॉब्लम है, उसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। सोलन पुलिस ने 12 जनवरी को सोलन में कबाड़ी की दुकान चलाने वाले व्यक्ति की हत्या के मामले को महज 6 दिन में निपटा लिया है। आपको बता दें कि सोलन पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने मामले में तत्परता दिखाते हुए जांच टीम गठित की और पुलिस जांच टीम ने करीब 6 दिनों में आरोपी को पकड़ा। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुल्लू जिला के आनी से दबोच लिया गया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि सोलन पुलिस ने सब्जी मंडी के पास कबाड़ की दुकान चलाने वाले माजिद अली की हत्या को सुलझा लिया है। वहीं CCTV फुटेज और अन्य इनपुट के आधार पर आरोपी को कुल्लू जिला के आनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इसी के साथ भारत सरकार की तरफ से सोलन के सदर पुलिस थाने को देश के टॉप 10 पुलिस थानों में शुमार किया गया है।
को थाना सदर में सूचना मिली थी कि श्री माजिद अली जो सब्जी मंडी के पास कबाड़ी का काम करते हैं उनकी किसी ने हत्या कर दी है। इस पर एफएसएल की टीम को मौका पर बुलाया गया और साक्ष्य इकट्ठे किए गए। जांच में पता चला कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो वहां से फरार था और इसकी कोई भी आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं थी, इसका नाम पता और मोबाइल नंबर आदि नहीं था, जिसमें चार टीमें बनाई गई और इसमें आईपीएस प्रोबेशनर अभिषेक जी और इंस्पेक्टर एसएचओ सदर हंसराज लुक्टा जी और सब इंस्पेक्टर आशीष कौशल जी जो सिटी चौकी इंचार्ज हैं और डिटेक्शन सेल के इंचार्ज ज्ञानचंद जी के नेतृत्व में चार टीमें बनाई गई। इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस किया, 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की और इसमें पता चला कि आरोपी ने शिमला में जाकर जो है मृतक का मोबाइल बेच दिया था, जिसको बरामद किया गया। शिमला में बड़ी संख्या में जेओएआईटी पोस्ट कार्ड 817 के अभ्यर्थी अपना दर्द लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के बाहर पहुंचे, जिसकी वजह है 4 सालों से लगातार नौकरी पाने का इंतजार, जो परीक्षाएं पूरी करने के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन युवा बेरोजगार अभी भी अपने हक की नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि तमाम कानूनी लड़ाई पूरी होने के बावजूद अभी तक इन युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। वहीं सिस्टम से हताश जेओएआईटी अभ्यर्थी सौरभ शर्मा ने बताया कि ये सरमौर से हैं और पिछले 4 सालों से केवल संघर्ष कर रहे हैं, साथ ही 6000 के करीब परिवार इसी मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई मंचों से तुरंत प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कह चुके हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें सुनने को मिलता है कि कैबिनेट से अनुमति अभी तक नहीं मिली। ऐसे में अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं कि आखिर कौन इन भर्ती प्रक्रियाओं को रोकना चाह रहा है। जेआईटी का मामला हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को पता है, हर नेता को पता है, हर व्यक्ति को पता होने के बाद ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसने अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 817 का नाम ना लिया हो। आज समय है कि जो राजनीतिक बातें उन्होंने कही थी उन बातों को पूरा करे। आखिरकार कब 4 सालों के संघर्ष को खत्म किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार जो जेआईटी 817 से जुड़े हैं उन्हें न्याय मिलेगा। उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद भी ढील हो रही है तो कहां दिक्कत है? हमें मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या हमारी गलती है कि यहां पे हम 4 वर्ष का संघर्ष कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।